लेकिन हम मुस्कान वो वाले घर पे गए हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और आज हम सुबह सुबह उठ रहे हैं और एक चीज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पता मेरा ना ये वाला ना फूल गया है। अभी ना सबको दिखाते हैं, कोई देख नहीं है, छुपा के हम ऐसे चलते हैं। फिर मम्मी एक चीज देखे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हैं तो ये वाला वाला सटता है। देखो जी कैसे हुआ, फूल गया, इसके वजह से फूल गया। यहाँ पे एक घाव है छोटा सा, उसके वजह से ना इतना ज्यादा फूल गया है। तो बेकार लगता है, हंसी हमको वाला देते हमको क्या ना फेस नहीं दिखा रहे, ऐसे हम छुपा के चल रहे थे जब से। ये देखें इतना मोटा से लगा दिए, खराब लगा देखने में। ए? अच्छा लगेगा मम्मी। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी ये क्या कर रही है और हमारे घर के चारों ओर गोबर क्यों लग रहा। तो आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है, चारों ओर मतलब घर के चारों ओर गोबर लगता है। उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे और नीम का मतलब टहनी लेके आएंगे और यहाँ पे लाके चारों ओर खोसेंगे, वो वाले गेट पर भी और ये वाले गेट पर भी और वो वाला भी घर जो है, वो वाला घर देखिए, वो वाला घर भी हम ही लोग का है, मतलब मेरा ही है, तो वहाँ भी होगा यही सब। तो अभी जाएंगे हम लोग और पहले जाके नीम के टहनी लेके आते हैं। आलोक चलो नीम के टहनी लाने, तुम कपड़ा पहनो नंगे पुंगे, जा जल्दी से। अरे वो घर साफ करके आते, गंदा हो गया है, जाओ जल्दी दूसरा पहनो कपड़ा, चलो जल्दी से लाते हैं नीम के टहनी। और अपने घर में मतलब आज खीर बन रहा है, मुस्कान बना रहे हैं, आज पहली बार बना रहे अपने हाथों से। ऐसे मतलब हमेशा मम्मी बनाती है लेकिन आज मुस्कान बना रहे, वाह मुस्कान, देखिए जरा सा। लेकिन सब कुछ मम्मी से पूछ पूछ के ये ना नीम का डाढ़ लेके भी चले आए। बहुत जगह ना बहुत खोजना तब मिला, बहुत जगह खोजना पड़ा हमको, यहाँ उधर पहले तो उधर गए वो साइड नहीं मिला, वो जगह बगीचा में, फिर इधर वाले बगीचा में गए तो वहाँ भी नहीं मिला, फिर इधर वाले बगीचा में गए तो वहाँ पे फिर मिला हमको। बहुत खोजने का पूरा बीच में गए थे अकेले और इतना सारा लेके आए। तो अभी हम नहा लिए, नहा के फ्रेश हो गए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं हम अपने घर के आगे मतलब नीम का भी टहनी लगा दिए हैं और ये वाली टी शर्ट पहन लिए हैं हम। क्या मुस्कान, पता है आज ये मुस्कान का टी शर्ट पहन लिया क्योंकि मेरा कपड़ा ना सब लोग धो दिया है। देखिए इधर चार टी शर्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सब धोआ गया है, तो हम क्या पहनते थे, मुस्काने वाला पहन लिए हम। और दिखाते हैं आपको, देखिए ये नीम का यहाँ पे और वो घर के पास भी है पूरे में, और वो वाला घर पे भी पूरे में नीम लगा दिए हैं, मतलब नीम का टहनी लगा दिए है और हमारा नीम का काम हो गया। अब हम जा रहे हैं, ऊपर भी है, आज कपड़ा लोग बहुत ज्यादा फीचा धोया है, कम से कम 10-15 को जीन्स फीचा है और 10-15 शर्ट टी शर्ट मिला के फीचा, मतलब 30-40 कपड़ा फीचा आज लोग, सब कपड़ा फीच दिया जाए लोग, पता ना। हाँ दे दीजिए, क्या नहीं, हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो, दा देखा अपना, दा देखा, ये देखिए इसका दांत, हाथ दे दा, गंदा रहता है ना, दा देखिए इसका, बहुत बदमाश हो गया ये। इधर मेरा पुल्लू खा रहा है, खाओ पुल्लू खाओ खाओ, गिरा रहा है, इधर देखो तो पुल्लू, इधर की देखो तो कैसा है, छीका बना देना, छीका अपना भी खाना आ गया है, सब्जी है। ये क्या चीज का सब्जी बना रही है, घिउड़ा का है, घिउड़ा और चना और ये भुजिया और ये खीर, ये पूरी। चलिए हम भी खाते हैं, पहले खीरे खाएंगे। मुस्कान खीर बहुत अच्छा है, खीर बहुत अच्छा है, हम आम नहीं दिए, वही बोल रहे थे कुछ ना कुछ तो लगता है भूल रहे हैं, जल्दी आम दीजिए मुस्कान,
आज के दिन आम खाना बहुत जरूरी है। आम भूल गए थे मुस्कान, मीठा है रे, हमको तो आज पसंद भी नहीं, अगर मीठा नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। लीजिए ना, आज का भी नहीं करी आम से। ले लीजिए आके, इसी में से पूरा मीठा है, थोड़ा मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत। उसके दांत पे मत जाइए, सब खाता है। कैसा पुलू, अच्छा है ना? बहुत अच्छा से खा रहा है। खाओ खाओ। इतना वैसे बता दीजिए कि कौन कुर्ती पहने आप? क्या गो है पूरा, क्या पीस है? 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीस इधर, और फिर एक पसारा हुआ है तो 10 पीस हुआ, अब बाकी पूजा दी के रूम में है। तो इसमें से कौन पहनिएगा? हाँ ये न्यू है, ये न्यू नहीं है, बाकी सब न्यू है। कौन पहनिएगा? ये हाँ पहन लीजिए वाला है, ये वाला पहन लीजिए मम्मी, ये पहन लीजिए, ये वाला पहन लीजिए, 10 गो में से हमारा यही पसंद है, ये वाला पहन लीजिए। मुस्कान आज ना मेरे पसंद से कुर्ती पहनेंगे, तो आज हम बता देंगे ये वाला पहनने के लिए, यही वाला पहनिएगा ठीक है ना, ये वाली दूसरा नहीं पहनिएगा, जल्दी से पहनिए, हम देखते हैं कैसा लगते हैं, हमारा चॉइस कैसा है पहनते हैं, तो उसके बाद पहनने के बाद कैसा लगता है बॉडी पे, जल्दी पहनिए। तो आप लोग मिलिए ये शख्स से, और ये रहे हेलो, तो ये रहा मुस्कान का फाइनल लुक, जो हम बोले थे कि मतलब मेरे ही पसंद से पहनने वाले थे आज कुर्ती, तो हम ही बोले थे कि यही कुर्ती पसंद किए थे कि यही कुर्ती आप पहनिए, और देखिए ये कुर्ती में मुस्कान कैसे लग रहे हैं, पूछिए बोलिए कैसे लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इनका पसंद का पहन है तो आप लोग बताइएगा कि मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके, मुस्कान वो वाले घर पे गए हैं, डरा दी ना, हमको पता ही था कि डरे, हम ना देखे थे आप, डरा दिए ना। पापा आज जब आए दुकान पर से, तो उधर आम ला के रख देते वो वाले घर पे, तो पापा बोले कि जाओ मुस्कान तुम लेके आ जाओ, जैसे ही मुस्कान गए हम पीछे से देख लिए मुस्कान जा रहे हैं आम लाने के लिए, चलिए डराते हैं, सच्ची में डर गए ना, डर गए, हम आपको देखे ही। कैसा लगा? डरा दिए पापा, कस के हमको, बाप रे बाप, कस के डरा दिए हम लोग, हमको इतना लगा कि ये कौन दिखाई जरा, फट गए मुस्कान का एगो आम, फट गए, मीठा है, मीठा धमक रहा है, ऐसे कि नहीं, बहुत कस के डर गए हम, हमको लगे देख लिए, हम चुपके से जाके दीवार के पास छुप गए, और जैसे हैं हु करे ना, बस मुस्कान बहुत कस के डर गए थे। कैसा है आम, दिखाई खिलाई तुमको? आम हमको पसंद ना है, लेकिन फिर भी बहुत मीठा है, लिया है ना, बहुत मीठा है। अभी डिम्पल दी कॉल की हुई है, और हम लोग ना बोलबम जाने वाले, मतलब सावन का दिन चल रहा था, बोलबम जाएंगे देवघर, तो इसी के लिए पैसा मांगेंगे डिम्पल जी से, क्योंकि अगले बार भी दी थी और इस बार भी देगी डिंपल जी, जब थोड़ा थोड़ा जमा करके ढेर सारा पैसा हो जाता है ना, अब वीडियो में बोलेंगे तो ना मना करेगी, लाइए थोड़ा सा, लाइए तो हम बात करते हैं। हेलो, हाँ डिंपल जी प्रणाम, हाँ तो हम लोग बोलबम जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ तो कुछ डोनेट कीजिए पैसा। देखिए वीडियो में कम से कम मना मत कीजिए, बेइज्जती होगा। वीडियो चालू कर लो। हाँ अब बोल मम्मी ऐसा बोले ना, वीडियो में बेइज्जती होगा। हाँ वीडियो में बेइज्जती हो तो सुना बो, वीडियो देते रे। और डिंपल जी को बोल दिए ना, मतलब ब्लॉग में ले लिया, और ब्लॉग में ही बोले ब्लॉग चालू करके, तब डिंपल जी मना नहीं कर पाएगी, कैसे भी करके हमको पैसा देगी, और उसके बाद हम लोग चलेंगे बोलबम देवघर, जय महाकाल। अभी देखिए हम मुस्कान को परेशान करेंगे, और हम आलोक को बोलते हैं, आलोक जैसे ही बोलेंगे तो वो धोने के लिए, तो धोने के साथ ना मुस्कान को भी धो देना ठीक है,
हम ना घर अभी अपना घर ये वाला जो है ना, ये वाले जो अभी ये पक्का हुआ है, मतलब प्लास्टर हुआ है, दो दिन पहले ढलैया हुआ है, दो तीन दिन पहले, तो इसको इसमें पानी डेली देते हैं, तो अभी अभी भी इसमें पानी देंगे, पूरा भी धोएंगे, तो इसके साथ साथ मुस्कान को भी धो देंगे, ठीक है, बोलना ना पड़े, ठीक ना। मुस्कान को भी धो देगा ना लोग, तो हो सकता है ना मुस्कान रोने लगेंगे या फिर मारने लगेंगे, अभी अभी लड़ाई भी हो सकता है। हाँ धो, धोना स्टार्ट कर दो, चलो या पूरा धोना है, पूरा अच्छा से धोना, इधर इधर पड़े, इधर लाओ, हाँ आओ धोते, आप इधर खाली वाइपर मारे पूरा में, आ लोग जल्दी जल्दी धोते जाएगा। क्या है, क्या है ये, ए चूहा का लेडी है, हाँ हेलो, आप भाई परवा से खींची ना ऐसे करके, ना लिए आप पूरा भिंगा दिए उस काम को, देखे जरा सही रहा, बहुत कस के मार दिए, मजाक के मैं लोग को मार दिए मुस्कान, भिगा भिगा दे, भिगा दिए आलोक को भींग गया मुस्कान, बोले उसको नहीं धोइएगा आलोक को, हमको नहीं, हमको ना, हम कैमरामैन, कैमरामैन, कैमरामैन को नहीं, अभी हम भी भिगा देते हैं, हम कैमरा में ना, पूरा घर साफ करो आराम से, मजा आ जाता है ये दोनों के बीच लड़ाई लगाने में ना, हमको बहुत अच्छा लगता है ना, ये दोनों का लड़ाई हम लगा भी देते हैं, दोनों दोनों ना लड़ भी लेता है, मुस्कान को बोलते तो मुस्कान मार देते हैं, ये दोनों के बीच में ना लड़ाई लगाना हमको बहुत आसान हो जाता है, तुरंत लगा देते, तुरंत, और दिन भर में 100 बार ये दोनों अपने में लड़ता होगा, 100 बार लड़ते होंगे, 100 बार दिन भर में, पूरे दिन में, तो आप लोग कैसा लगा बताइए कमेंट करके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हेलो बाय कर दो, बाय बाय, हेलो बाय, हेलो गाइस।